हेलो स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड का टेस्ट सीरीज का 8वां पार्ट है। अब अभी हम 7वें पार्ट का आंसर देखेंगे, तो 7वें पार्ट का आंसर देखते हैं पहले। और आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम पे पहुंच जाए। चलिए, पहला प्रश्न का उत्तर है 1.69% देश की आबादी का उत्तराखंड में 1.69% है। दूसरा का उत्तर है देहरादून, तीसरा का उत्तर है भोटिया और चौथा का उत्तर है काली नदी, पांचवा का उत्तर है केदारनाथ और छठा का उत्तर है काली एवं गौरी नदी। काली एवं गौरी नदी के संगम पे जल जीवन मेला लगता है, आपको पता होना चाहिए। सातवां प्रश्न है प्रापहार संस्थान और आठवां है भागीरथी। नवा प्रश्न का उत्तर है कालीन कटोरा टोकरी उद्योग और दसवां प्रश्न है चंपावत, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत उत्तराखंड का। तो चलिए फिर आठवें प्रश्न लेते हैं, आठवें टेस्ट सीरीज का प्रश्न लेते हैं। तो इससे पहले आप लोग में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर और कमेंट भी करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? और दूसरा प्रश्न, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? और तीसरा प्रश्न, वो आईएएस अधिकारी कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बने? चौथा प्रश्न, पाताल भुवनेश्वर कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? पांचवा प्रश्न, प्रथम महिला कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और आप लोग इस वीडियो को जब आप देखें तो अब जैसे आप इस बात का हमेशा ख्याल करें कि 10 में आपका कितना उत्तर सही हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कई बार नहीं उत्तर करते, लेकिन आप अपने मन में यह ज़रूर सोचें कि आपने कितना उत्तर किया है। कमेंट बॉक्स में उत्तर करते तो और बेहतर है। अगर आप 10 में से 3 करते हैं तो अच्छा है, 4 और बेहतर है, 5 एक्सेलेंट है। अगर आप 3 करते हैं तो अगली बार जब आप वीडियो देखें तो आप अंदाज़ा करें कि आप 5 करते हैं कि नहीं, इस बात का ख्याल आप हमेशा रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऑप्शन पर आप ध्यान न दें, ऑप्शन पे आप याद मत करें। आपके याद करने की कैपेसिटी बिना ऑप्शन के होना चाहिए जो आपको याद हो। और छठा प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? IIM बहुत मशहूर रहा है ये। सातवां प्रश्न, हर्बल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आठवां प्रश्न, चंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? चंडी देवी। नवा प्रश्न, गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? दसवां प्रश्न, विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार सन 1914 में किसे प्राप्त हुआ था? बहुत बेहतरीन सवाल है ये सब। तो आप में से जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे और आप अपना मूल्यांकन करना नहीं भूलें। डेली आप 2 वीडियो ज़रूर देखें, एक पिछली वीडियो देखें और अपना रिवीजन करें कि पहले से आप में क्या सुधार हुआ है, और एक नई वीडियो मिनिमम 2 वीडियो देखें, पीछे का वीडियो एक देखें और आप अंदाज़ा करें कि कितना आप में सुधार हुआ है। और नई वीडियो में आप सीखने का प्रयास करें और आप में प्रगति होना ज़रूरी है इस बात का, क्योंकि आप पिछले 5 दिनों में आपने आप में क्या प्रोग्रेस हुआ है वो रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आपने पिछली वीडियो देखा, अब फिर उस वीडियो को दोबारा आपने देखा तो कितना आपका सही हुआ, ये आपको करना है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। और
क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, उत्तराखंड से संबंधित है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हर डिफरेंट विषय पे है, उसको आप प्रैक्टिस करें, वो साइंटिफिकली है। चलिए, बहुत बेहतरीन है, अच्छा प्रदर्शन है आप लोगों का। थैंक यू।